हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट यानी कक्षा 9वां में पढ़ते हैं और आप लोग का एग्जामिनेशन है सामाजिक विज्ञान का, तो मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। तो आइए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे इसका क्वेश्चन और आंसर। यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है वो है कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलंबस जो निवासी था वो था जिनेवा का। अगला हम लोग देखेंगे तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था, तो यह था आपका ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। अगला है रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रिपब्लिक। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो 1914 ईस्वी में। अगला है मेन कैफ का लेखक था, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिटलर। अगला झारखंड राज्य का दर्जा कब मिला था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1920 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 यानी कि 1960 ईस्वी यानी 1960 के दशक में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे आता है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वाशिंगटन। अगला है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रूसो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया में, लेकिन रहते थे कहाँ, जर्मनी में। अगला हम लोग देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7वां। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री। अगला हम लोग देखेंगे तो भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। यहाँ पे लोग एवरेस्ट लगा देते हैं लेकिन एवरेस्ट भारत की नहीं बल्कि नेपाल की है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा। अगला हम लोग देखेंगे तो आंतरिक हिमालय यानी मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाभारत लेक। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है मध्य नवंबर के मध्य मार्च तक भारत में कौन सी ऋतु होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शीत ऋतु। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसिन राम। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में। अगला है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। अगला है आपका पाकिस्तान का महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गन्ना। अगला मानचित्र की दूरी को मापनी में किस रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अंश में यानी डिग्री में। अगला है भूगोल के क्षेत्रीय अध्ययन है, तो एक उपागम। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है यहाँ पे प्राचीन युग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रूस। अगला है वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड में। अगला है भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है लोकसभा और विधानसभा चुनाव कितने वर्ष के अंतराल में होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। अगला राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका। अगला है मंत्रिपरिषद किस सदन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये होगा लोकसभा। निम्न सदन को ही लोकसभा बोला जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक कार्य करता है, तो कार्यपालिका। अगला हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने के प्रावधान है, तो 6 से 14 वर्ष तक। अगला भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो 18 वर्ष। अगला हम लोग देखेंगे तो उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, तो ये हो जाएगा A5। अगला है उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला हम लोग कहता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है, तो 74.04%, जो कि अभी बढ़ चुकी है, ठीक है। अगला देखेंगे भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, समस्या नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक विकास। अगला हम लोग देखेंगे तो गरीबी रेखा के नीचे रहना एक गरीबी का सूचक है। अगला है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, गरीबी तथा बेरोजगारी।
अगला है बिहार वासियों में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृषि। अगला है बिहार के कृषक मजदूर हैं अशिक्षित। आगे है मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है, तो ये हो जाएगा रोजगार सुनिश्चित करना। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भूकंप। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हिरोशिमा किस देश में स्थित है, जापान में। अगला रेल यात्रा में कौन सा सामान लेकर के नहीं चलना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ज्वलनशील। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कौन होता है, तो इसमें से सभी। तो इस तरह से वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।